गोलू सोनू एक अच्छे मित्र होते हैं। वह दोनों जंगल घूमने जाते हैं। जंगल में घूमते घूमते उन्हें एक नदी मिलता है जो उन्हें पार करना रहता है। तो दोस्तों वह नाव वाले को बुलाते हैं और नाव पर बैठ जाते हैं। फिर नाव वाला भी और गाय भी बैठ जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नाव वाला बोलता है कि अगर इस नाव पर 100 ग्राम भी और ज़्यादा आया कुछ भी तो यह नाव डूब जाएगा, क्योंकि इस नाव पर ज़्यादा वजन रखा गया है, जैसे गाय हैं और हम लोग भी हैं, तो ज़्यादा वजन हो गया है नाव पर, तो नाव ज़्यादा झेल नहीं पाएगा। और 100 ग्राम भी आया, चाहे 200 ग्राम चाहे 100 ग्राम भी आया, तो यह नाव डूब जाएगा, अब आपके ऊपर है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद गाय पोटी कर देता है उसी नाव पे। फिर दोस्तों सभी लोग घबरा जाते हैं कि नाव डूब ना जाए। अब आप बताइए दोस्तों कि नाव डूबेगा या नहीं। दोस्तों आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आपका टाइम शुरू होता है अब। क्या दोस्तों आप इसका जवाब ढूंढ लिए? क्या बात कर रहे हैं, नहीं ढूंढ पाए? लगता है मेरे को ही बताना पड़ेगा। दोस्तों नाव नहीं डूबेगा। अब आप बोलेंगे नाव कैसे नहीं डूबेगा, गाय जब पोटी किया तो 100 ग्राम से ज़्यादा ही हो गया है उस बोट पे, तो कैसे नहीं डूबेगा, डूब तो जाना चाहिए उसे। तो दोस्तों इसलिए नाव नहीं डूबेगा क्योंकि दोस्तों गाय का पोटी तो गाय के पेट में था और गाय थी बैठी नाव पर पहले से ही, तो गाय पोटी कर दी तो कैसे डूबेगा नाव। आपके ख्याल से क्या है, नाव डूबेगा या नहीं, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए।